Redmi Note 4 के लिए Pixel Extended का 2.9 जो है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आ गया है। हालांकि जो लास्ट में वीडियो बनाया था Pixel Extended पे 2.7 पे बनाया था, तो यहाँ पर जो है फिलहाल इस अपडेट के अंदर 2.9 भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी इधर उधर हेरफेर हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। साथ साथ ये भी थोड़ी बहुत बता दूंगा कि पिछले अपडेट के मुकाबले यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं, बाकी इस अपडेट में परफॉर्मेंस कैसे मिलती है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। बाकी इंस्टॉलेशन तो आपको पहले की वीडियोस पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूर कंप्लीट रिव्यू मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि अब और फ़ोन के अंदर हमारा एंड्रॉयड वर्जन 11 मिल जाता है, एक्सटेंडेड वर्जन है 2.9 और हमारा जो सिक्योरिटी पैच है 5 जुलाई 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। कर्नल आपका 4.9 बेस जैसे कि स्लीपी कर्नल देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा पिक्सल 10 के अंदर अगर हम चलते थे, यहाँ पे पहले इनकॉल वाइब्रेशन का जो ऑप्शन था, पहले बिल्कुल आपको अलग अलग तीनों ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अभी आपको वाइब्रेट टू इंडिकेट कॉल स्टेटस मिल जाता है। बाकी आपका जी विजुअल मोड पहले की तरह ही है और नोटिफिकेशन साउंड एक्टिव हो गया, हेडसअप हो गया, बैक ऑन प्लग मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। और लॉक स्क्रीन में डबल टैप टू स्लीप मिलता है, चार्जिंग इन्फो है, मीडिया कवर आर्ट मिल जाता है, म्यूजिक विजुलाइजर दिया गया, स्टेटस बार वाला ऑप्शन आपको न्यू मिलता है। बाकी अनलॉक विद फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन है ये भी आपको न्यू मिल जाता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। बाकी लॉक स्क्रीन अगर आप जाते हो लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल के अंदर, तो यहाँ पे पहले जो है सेव शिफ्ट तक मिलता था, लेकिन एंड्रॉइड एस का और फ्लूइड वर्जन 2 ये आपको दो क्लॉक यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम यहाँ पे इसके चलते हैं, फिलहाल हमारा यहाँ पे जो स्टेटस बार है इसके अंदर आपका नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर जो कि अच्छे से काम कर रहा है, सिस्टम आइकन अब आपको यहाँ पे देखने को ये मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है पहले इसी के नीचे हमें वोल्टी आइकन्स देखने को मिलता था जो कि रिमूव कर दिया गया। हालांकि बाय डिफॉल्ट इनेबल वोल्टी आपको मिलता है, लेकिन आइकन स्टाइल रिमूव किया गया है। बाकी आपका क्लॉक स्टाइल मिल जाता है, डबल टैप टू स्लीप है ऊपर, एंड बैटरी स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज भी मिल जाता है, QS बैटरी परसेंटेज भी नीचे देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका ब्राइटनेस स्लाइडर की पूरी सेटिंग्स आपको मिल जाती है, ऑटो ब्राइटनेस आइकन आप डिसेबल कर सकते हो। बाकी वाइब्रेट ऑन टच मिल जाता है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे टिंट स्टाइल आपको मिल जाता है, क्विक पुल डाउन है और कॉलम एंड रो की सेटिंग मिलती है। वही हार्डवेयर में अगर आप चलते हो तो यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार इनेबल करने के लिए यहाँ पे मिलता है, पहले सिस्टम में था तो यहाँ से आप इनेबल तो कर पाओगे, लेकिन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जो है फिलहाल ये जो है, हालांकि आपका ये काम करता है, अच्छे से काम करता है, लेकिन चेंज करने के लिए आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप इसकी सेंसिटिविटी सेटिंग्स जो है दी गई है, बाकी चेंज जैसे करना है तो आपको जाना पड़ेगा सिस्टम में और यहाँ पे जेस्चर में, तो यहाँ पे आपका सिस्टम नेविगेशन शो करेगा और यहाँ जो है आप ये देख सकते हो सेंसिटिविटी सेटिंग्स जो कि वहाँ पे दी गई है। बाकी 3-button नेविगेशन आप यहीं से जो है चेंज कर पाओगे, और ये जो ऑप्शन सिस्टम नेविगेशन का शो करेगा तभी जब आप वहाँ पे ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार इनेबल करोगे। बाकी आप देख सकते हो ये जो है अच्छे से काम कर रहा है, तो इनमें दिक्कत ऐसी कोई हमें नहीं मिलती, तो हार्डवेयर के अंदर से ही आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार इनेबल एंड डिसेबल करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका एडवांस रिबूट जैसे कि आपको मिल जाता है एडवांस रिस्टार्ट, तो यहाँ पे पावर मिलता है और पावर के अंदर रिस्टार्ट है, इसी पे जो है आपको मिलेगा एडवांस रिस्टार्ट की पूरी सेटिंग्स को। और यहाँ पे पावर मेन्यू नीचे मिल जाता है जिसमें आपको शॉर्टकट भी देखने को अब मिलता है इसके अंदर, तो यहाँ पे मेन्यू शॉर्टकट मिल जाता है और एंड कॉल मिल जाता है, लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च मिल जाता है। और अब आप देखोगे तो यहाँ पे शो ऐप वॉल्यूम भी आपको मिल जाता है, जो कि पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम स्टाइल दिए गए हैं 3 न्यू हैं, ऑक्सीजन ओएस, प्रोजेक्ट 404 का और सेफ शिफ्ट वाला, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके स्टाइल्स पे जो है वॉल्यूम पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, जैसे कि सेफ शिफ्ट वाले पे भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ये फिलहाल अभी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी चेंज ना हो तो दूसरी बार टैप कर देने चेंज हो जाता है, बाकी सेफ शिफ्ट पे आपके चेंज नहीं हुए ज़्यादातर पे, मतलब आपके वॉल्यूम स्टाइल पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल काम करता है, लेकिन कुछ पे आपके वॉल्यूम स्टाइल पे काम नहीं करता, जैसे इस पे काम नहीं कर रहा है, और जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पे एक, उस पे भी जो है काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो वॉल्यूम स्टाइल है तो यहाँ पे जो ये वाला जो है बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, लेकिन इसके अंदर भी हमें जो है पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता, लेकिन जैसे कि इसका खुद का ESP वाला जो देखने को मिलता था पहले एक ओल्ड, उसको अगर चेंज करते हो या फिर ऑक्सीजन OS वाला, MIUI वाला, उन सभी पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल आपको मिल जाता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, तो उसके बाद आप यूज़ करना। एंड नीचे आपको वही कंट्रोल प्लेबैक हो गया, एंड क्लिक टू पर्सन मिल जाता है, एंसर कॉल हो गया आपका, बैक बटन एंड होम बटन पे सब पे शॉर्टकट जो लगाते हो आप लगा पाओगे यहाँ से, जो कि दिया गया है। और नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आपका हॉटस्पॉट काम कर रहा है, वाईफाई भी काम कर रहा है, और कनेक्टेड डिवाइस के अंदर आपका यहाँ पे कास्ट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और ऐप एंड नोटिफिकेशन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है असिस्टेंट, जिसमें आपका है गूगल या फिर ओके गूगल की बात करें तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और आपका जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स इसके अंदर मिलता है तो गूगल वाले ही मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हो,
और बैटरी की बात करें तो बैटरी सेवर आपका पहले जैसे ही उसे मिल जाता है, एडेप्टिव बैटरी आपको मिल जाता है और यहाँ पे टर्न ऑन लाइट वेन चार्जिंग मिल जाता है और यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग आपको मिलता है। वहीं बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4 आवर जैसे कि नॉर्मल ब्राइटनेस पे जो है यूज़ किया हूँ, वीडियो प्ले किया हूँ, तो 64% बैटरी मिला है, जो कि अगर हम बात करें तो बैटरी बैकअप ज़रूर यहाँ पे अच्छी देखने को मिली है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं डिस्प्ले के अंदर तो यहाँ पे डार्क थीम मिल जाता है, नाइट लाइट मिल जाता है, ऑटो ब्राइटनेस मिल जाता है और स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर आपका यहाँ पे जो है ग्रिड ये कुछ देखने को मिलेगा और यहाँ पे वॉलपेपर आपका पहले वाला ही जैसे कि पहले देखने को मिलता था। लाइव डिस्प्ले ऊपर दिया गया है, आपका रोटेशन काम करता है। लॉक स्क्रीन के अंदर आपके पास यहाँ पे सब कुछ सेम है, लेकिन एक चीज डबल टैप टू चेक फोन पहले था यहाँ पे जो कि रिमूव है, बाकी सब कुछ सेम है। बाहर भी आपका इनेबल ब्लर, डबल टैप टू बैक मिल जाता है, हाई टच सेंसिटिविटी हो गया और नीचे आपका यही थीमिंग के और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और फॉन्ट भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है और यहाँ पे स्विच स्टाइल मिल जाता है, जैसे ऑक्सीजनस करते हैं तो ये जो इनेबल डिसेबल वाले टॉगल होते हैं उनका स्टाइल जो है इससे चेंज होता है स्विच स्टाइल से। किसी भी रूम में स्विच स्टाइल रहे तो ये टॉगल जो है चेंज होते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम चलते हैं इसके साउंड के अंदर तो साउंड के अंदर भी वैसे कुछ खास चेंजेस आपको नहीं मिलता, पूरी तरीके से सिमिलर ही है जैसा पहले था, उसी तरीके से अदर साउंड एंड वाइब्रेशन मिल जाता है। ऑडियो एम्पलीफिकेशन पहले भी यहीं पे मिलता था, ये अभी भी देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और ऐप लॉकर मिल जाता है और यहाँ पे हमारा जो है पैटर्न साइज मिल जाता है इसके अंदर में। तो यहाँ पे हम बात करें फिंगरप्रिंट की तो फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके जो है ये काम कर रहा है, हालांकि फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है। फेस अनलॉक थोड़ा सा डिले सा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हो थोड़ा सा सेक होता है वो, उसके बाद जो है अनलॉक होता है जैसे पहले भी हो रहा था। बाकी आपका स्क्रीन लॉक सेटिंग्स मिल जाता है और ऐप लॉकर जैसे कि आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, तो ऐप लॉक जो है आप यहाँ पे लगा पाओगे। और अगर हम बैक करते हैं चलते हैं इसके यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग की तरफ तो डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट जैसा कि इसके अंदर मिलेगा आपको, तो ये जो है देखने को मिल जाता है। और बैक करने के बाद चलते हैं सिस्टम में तो सिस्टम के अंदर आपका जेस्चर मिलता है, तो यहाँ पर जैसे कि सिस्टम नेविगेशन इनेबल नहीं है इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। बाकी आपका पावर मेन्यू मिल जाता है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाता है और यहाँ पर एडिप्टिव प्लेबैक मिल जाता है। लास्ट में आपका वही सिस्टम अपडेटर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे स्टेटस बार की तरफ तो स्टेटस बार के टॉगल्स में जो कि आपके टाइल्स है यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे टाइल्स न्यू मिल जाते हैं। AOD का हो गया, जैसे कि आपका रीडिंग मोड हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम पैनल हो गया आपका, ये सब जो है आपको न्यू देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर जो कि पहले नहीं थे। और यहीं पर अगर हम चलते हैं इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी यहाँ पे आपका जो है बात करें तो ये जो है फिलहाल पहले जैसा ही देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको चेंजेस नहीं मिलता। पहले भी जैसे कि लैग करता था हल्का हल्का आप देख सकते हो, ये अभी भी जो है अटक रहा है हल्का, तो यहाँ पर अभी भी लैगिंग मिलती है। बाकी वॉल्यूम पैनल, पावर मेन्यू आपको दिखाई चुका हूँ। और ऐप ओपनिंग की बात करें तो उस टाइम पे भी जैसे कि बताया था ऐप ओपनिंग में कुछ कुछ एप्लीकेशन पे लैग होता है, उसी तरीके से अभी भी है, जैसे कि प्ले स्टोर पे अभी जो है ये लैग किया है, तो यहाँ पे आपका जो है एनिमेशन लैग थोड़ा देखने को मिल जाता है कुछ कुछ एप्लीकेशन के अंदर। रिसेंट पे जो आपके ऑप्शन जो है सेम है लेकिन स्क्रीन शॉट पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन स्क्रीन शॉट आप देख सकते हो कैप्चर हो चुकी है। और जो 3 फिंगर स्क्रीन शॉट है इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, स्वाइप टू स्क्रीन शॉट आपका बिल्कुल काम कर रहा है। बस यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा दिक्कत है कि शो नहीं कर रहा लेकिन क्लिक कर ले रहा है। बाकी आपका यहाँ पे क्लियर होल मिल जाता है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैमरा जैसा कि आपको कैमरा गो देखने को इसके अंदर मिल जाता है। GCam आप यूज़ कर सकते हो, स्लो मोशन काम नहीं करता इसके अंदर। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर पोर्ट्रेट मोड पिक्चर क्लिक करना हो वो आप आराम से कर पाओगे। और यहाँ पे जैसे कि एडवांस कंट्रोल देखने को मिल जाता है तो ये भी आपको मिलेगा। और ड्रेक साउंड एनहांसर जो है फिलहाल इसे जो है चेक किया लेकिन मेरा यहाँ पे काम नहीं किया, ये तो काम नहीं कर रहा है। बाकी FM मिल जाता है और जैसे कि GApps इंक्लूड के साथ ये रोम मिलता है हमें। और हमारा जो यहाँ पे प्ले स्टोर है ये भी बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है, तो आपका सेफ्टी नेट यहाँ पे पास रहेगा, आप आराम से जो है बैंकिंग ऐप्स को यूज़ कर पाओगे, विदाउट रूट आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं मिलेगी। और अब चलते हैं कॉलिंग की तरफ तो कॉलिंग के अंदर आपका वॉल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है। बाकी आपका जो ब्लूटूथ ऑडियो है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है मीडिया इन कॉलिंग पे, तो कॉलिंग के अंदर भी आपको दिक्कत ऐसी कोई नहीं मिलती है। और यहाँ पे जैसे कि एंटूटू स्कोर देखोगे तो 101,994 का जो है स्कोर देखने को मिला है, तो वही पिछले अपडेट की बात करें तो पिछले अपडेट में 96 के करीब था, तो उससे बेटर ही है। और यहाँ पे जो हमारा ग्राफिक है वो स्मूथ पे हाई है, बैलेंस पे मीडियम तक मिल जाता है, तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस पहले की तरह है, यहाँ पे फिलहाल कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें गेमिंग को लेकर के तो यहाँ पे अगर आप गेम खेलते हो तो ज़रूर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, TDM पे ही जो है काफ़ी लैग सा देखने को मिला है यहाँ पे, ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे गेमिंग को लेकर के। बाकी ऐसे अगर नॉर्मली भी यूज़ करते हो तो भी यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ दिक्कत है कि इसका एनिमेशन लैग जो कि कुछ एप्लीकेशन पे आपको मिलता है, रिसेंट पे भी 4 से 5 एप्लीकेशन अगर आपके ओपन रहते हैं अगर आप स्लाइड करते हो इधर उधर
तो उस पर भी आपको लैग देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी आपको प्रॉब्लम्स इस तरीके से देखने को मिलेगी। बाकी फीचर्स तो यहाँ पे लेटेस्ट ज़रूर ऐड हुए हैं। बाकी बैटरी आपको अच्छी मिल जाती है इसके अंदर में, तो बैटरी जो है अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।